में जोड़ा जा रहा है, मतलब सबसे बड़ा उद्योगपति गुजरात का और प्रधानमंत्री गुजरात का, मुख्यमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, उपराष्ट्रपति गुजरात का, मतलब गुजरातियों पे कोई याद नहीं आएगी। और अपने 250 करोड़ पहले लगाए, उसके बाद 600 करोड़ भी अपने लगाए कि सबसे बड़े हिट है। भाई क्या गोदी मीडिया बनोगे यार तुम लोग, क्या बनोगे यार। मैं देश में रह रही हूँ, मैं जय श्री राम नहीं बोल रही, मैं बोलूंगी भारत माता की जय, तो मैं देशद्रोही हूँ। तो मतलब ये रूल बना रहे हैं मोदी जी, तो ये हो रहा है ना कि आप हिंदूवादी देश को कर दो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ तो अभी जेवर एयरपोर्ट खोलो, खुल गया, अब उसको कल परसों में अंबानी अडानी को भेज देना। मैं अडानी पे यही बोलना चाहूंगी कि जो कह रहे हैं ना कि हमने G20 कराया है, हमने उनमें योगदान दिया है, तो आप G20 में योगदान देके, अभी सर्वे रिपोर्ट में आ रहा है कि आपने सबसे बड़ा घोटाला किया है। नहीं नहीं, छोटी छोटी फ्रॉड कंपनियां बना के आपने घोटाला किया, 600 करोड़ से ज्यादा घोटाला हो चुका है, अब और घोटाला नहीं कर रहे। जितने भी स्कैमर है सारे गुजरात के हैं, जितने भी स्कैमर निकले, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये हमारे जितने भी है, अडानी, अंबानी, हर्षद मेहता, सारे गुजराती है। मतलब देश का गुजरातीकरण चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो आपको लग रहा है मोदी जी भी गुजराती है तो स्कैम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या स्कैम कर रहे हैं? वो तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल स्कैम कर रहे हैं, कैसे नहीं स्कैम कर रहे हैं। कृषि आपने देखिए, स्कैम नहीं कर रहे, लेकिन देश की जनता तो परेशान हो रही है ना। स्कैम से बड़ा तो ये है ना कि देश की जनता परेशान है। यहाँ आप देख लीजिए, मैं आपको बातें गिनवाती हूँ। कृषि बिल देख लीजिए आप, कृषि बिल में किसान कितना परेशान हुआ है, GST में व्यापारी, नोटबंदी में जिनकी शादियां थी वो टूट गई, सारे नौजवान परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए GST में। उसके बाद आप देखिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम का चल रहा है टीचर्स का, जिस वजह से टीचर्स जंतर मंतर पे आज पहुंचे हैं, आज वो उस वजह से भी हम लोग टीचर भी परेशान है। कृषि बिल में कितने किसान शहीद हो गए, तो ये बात। ओल्ड पेंशन स्कीम वालों का पैसा भी शेयर मार्केट के थ्रू, LIC के थ्रू अडानी के शेयर में लगा हुआ है, 24% अडानी परसेंट लगा हुआ है, डूबने वाला है वो भी। मतलब टीचर पूरी जवानी बर्बाद कर दे सरकार के प्रति। अब कोरोना में सबसे पहले टीचर की ड्यूटी है, एयरपोर्ट पे सबसे पहले, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये कोई भी हैप्पीनेस करिकुलम, ट्रंप की बीवी आती है तब भी टीचर रहते हैं। लेकिन हाँ, टीचर पूरी जवानी बर्बाद कर दे, लेकिन बुढ़ापा, मतलब पूरी जवानी उस सरकार के नाम कर दे और बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। ओल्ड पेंशन कोई हमारा सहारा नहीं बनेगा। मतलब मैं भी अगर सरकारी नौकरी लेनी चाहूँ तो मैं भी क्या सोच के सरकारी नौकरी लूंगी कि पूरी जवानी में बर्बाद कर दूँ, बाद में बुढ़ापे में मेरे को कोई सहारा नहीं बनेगा। कह रहा है कि देश बर्बाद हो रहा है, बुढ़ापे में क्यों पैसा दे आपको, नौकरी खत्म, जब काम नहीं कर रहा है क्यों पैसा दे, किसी और सुविधा में लगाएंगे देश की। मतलब अग्निवीर बनाएंगे, 4 साल के अग्निवीर बना दिए, उसके बाद उनको भी अकेला छोड़ रहे हैं। मतलब ये जो नेता 9-9, 10-10 पेंशन डकार रहे हैं, एक बारी MP बने उसकी पेंशन, दूसरी बारी MP बने उसकी पेंशन, मुख्यमंत्री बन गए उसकी पेंशन, मतलब 3-4 बार मुख्यमंत्री बने तो वो भी पेंशन उनके खाते में आएगी। लेकिन हाँ, जो अभी अंबानी अडानी का घोटाला चल रहा है, अभी का लेटेस्ट सही, तो उसमें से भी अगर पैसे आ जाते ना, ये घोटाला ना होता, तो टीचर्स की, हर एक टीचर की पेंशन तो आ जाती कम से कम। भाई साहब, अडानी देशभक्ति है ना, देशभक्त है ना अडानी, तो मतलब देशभक्ति सारे गुजराती कर रहे हैं और देश का घोटाला करके कह रहे हैं हम तो देशभक्त हैं। हम तो देशभक्त हैं, नहीं, देश के 600 करोड़ दुबा दो, 2 करोड़ दुबा दो, 200 करोड़ दुबा दो, हमारे को क्या, आप तो देशभक्त है ना। अडानी का विरोध करने वाले देशभक्त नहीं है, ये कह रहे हैं हम लोग, राष्ट्रहित में है ये जो हो रहा है, जो विदेशी ताकत, मतलब जो विदेशी ताकतों के साथ है वो विरोध कर रहे हैं अडानी का, आप जैसे लोग। मतलब अब हम ये कह दें कि अडानी इज इंडिया, वो तो यही कह रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं क्या, राष्ट्रहित में जोड़ा जा रहा है। मतलब सबसे बड़ा उद्योगपति गुजरात का और प्रधानमंत्री गुजरात का, मुख्यमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, उपराष्ट्रपति गुजरात का, मतलब गुजरातियों पे कोई याद नहीं आएगी। मतलब हिंदुस्तान का गुजरातीकरण हो गया, मैं पहले भी कहती हूँ, टॉप 10 से बाहर हो गए, एक देश का भारतीय हमारे टॉप 10 लिस्ट में था, नंबर 2 में था, देखिए अंबानी भी था, अंबानी भी था। जब तक कोई मोदी के साथ रहेगा, मोदी के पास कोई चोट नहीं पहुंचेगी, तब तक क्या होगा, वो टॉप सबसे बड़ा उद्योगपति बना।
बना रहेगा, टॉप फाइव में रहेगा। जैसे ही मोदी को पता चला कि भाई ये गड़बड़ चल रही है, मैं तो फंस जाऊंगा। अच्छा, पठान का मुद्दा लगातार चल रहा है आज भी, क्या लग रहा है अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ पठान पठान चला रहा है मीडिया? बिल्कुल चल रहा है। और पठान पे जो कह रहे थे ना कि हम बायकॉट करेंगे, थिएटर में नहीं चलने देंगे, इन लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है। पहले दिन में सबसे ज्यादा हिट हुई है ये मूवी, कोई नहीं कहते। कहते ना खुद टिकट खरीदे, टिकट खरीदे शाहरुख खान ने, मतलब 600 करोड़ अपने ही, 250 करोड़ पहले लगाए, उसके बाद 600 करोड़ भी अपने लगाए कि सबसे बड़े हिट आया। भाई क्या गोदी मीडिया बनोगे यार तुम लोग, क्या बनोगे यार? वो तो कह रहे फ्लॉप हो गई है, अभी भी चला रहे हैं, मतलब 600 करोड़ बनाने के बाद भी फ्लॉप है, तो मतलब क्या चाहते हैं? 1200 करोड़ कमा ले, भैया कमा लेगी अगर आप ऐसे करते रहोगे तो। कोई ऐसा नहीं है, अंबानी अडानी की बात छुपाने के लिए ये सब चल रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया किसी का नहीं देखती है, वो ये देखती है कि बस सरकार बच जाए। क्या बायकॉट वालों को तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग जैसे कहते हैं ना सूरज पे थूकोगे तो छींट मुंह पे आएगी, तो आप बहुत बुरी तरह से आपके मुंह पे तमाचा पड़ा है। अभी आपको कह रहे थे ना कि हम थिएटर में मूवी नहीं चलने देंगे, आग लगा देंगे, सिनेमा चला देंगे, तो जो आप हमारे को देशद्रोही कह रहे हो ना, सबसे बड़े देशद्रोही आप ही लोग हो, जो सिनेमा देश की संपत्ति पे आग लगाने वाले लोग तो देशद्रोही होंगे। साउथ अफ्रीका में सुपर हिट रही पठान, सुपर। देखिए ना शाहरुख खान के पूरे दुनिया में उनके फॉलोवर हैं, सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी है इंडिया में। मूवी हिट नहीं जाएगी तो क्या होगा? बिल्कुल की जाएगी, जब जानते हैं ना कि मूवी, भाई मूवी में ऐसा क्या बुरा है? आप बताइए किस लिए बायकॉट किया जा रहा है? भावना क्या अर्थ हुई है कि उसने भगवा रंग का कपड़ा पहन लिया, भगवा रंग का कपड़ा बेशरम रंग में पहन लिया, तो भाई साहब भगवा रंग का कपड़ा ही नहीं पहना उसने, हरा पीला नीला सतरंगी सारे कपड़े पहने उसने। 5 सेकंड की क्लिप है, रॉ एजेंट को देशद्रोही दिखाया है और आईएसआई एजेंट को देशभक्त दिखाया है, इस पे विवाद कर रहे हैं। ये सच हो गया, मूवी तो रील में ही चलती है ना, मूवी तो रील ही होती है, मूवी तो स्टोरी होती है। मूवी में अब मैं दिखा दूं कि हम लोग कोई रॉ का एजेंट बाहर जा रहा है, भारत में जाके वो वहाँ का बन गया, तो मूवी की बात है, मूवी की जो स्टोरी, सस्पेंस छोड़े ना छोड़े, मतलब बिल्कुल लेके आई पठान। कैसे लगे पठान? बिल्कुल अच्छी लगी, सलमान खान की अनएक्सपेक्टेड एंट्री जो थी बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल नहीं हुई। कह रहे खान गैंग का बहिष्कार करेंगे, चाय बिकवाएंगे खान गैंग को, खान गैंग को आप बनाइए आप, मैं कह रही हूँ खान गैंग का बहिष्कार कीजिए, सबसे बड़ा सितार प्लेयर खान गैंग का, सबसे बड़ा नृत्यकार खान गैंग का, सबसे बड़ा जो कथक परफॉर्मर है, सबसे अच्छा पियानो बजाने वाला खान गैंग का, सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक्टर खान गैंग का, सबसे अच्छी जो टीचिंग होती है खान गैंग की, करिए डुबाइए, क्या कहेंगे? सबसे अच्छी टीचिंग खान सर को बता रही है आप? खान लोगों की टीचिंग को मैं बता रही हूँ कि उनकी टीचिंग कितनी अच्छी रहती है। हाँ खान सर को भी देख लीजिए, बहुत अच्छा नाम चला था उनका भी, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें, हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए हमारे को, हिंदुस्तानी राष्ट्र चाहिए हमको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटना है हमारे को, हिंदुस्तानी बनना है। जो देशद्रोही है वो शाहरुख खान के साथ है, जो देशभक्त है वो अडानी के साथ है। देशद्रोही हम देशद्रोही बन जाएंगे लेकिन हम शाहरुख खान के साथ रहेंगे। भाई जो देशभक्त की मानो मूवी के साथ नहीं, अगर शाहरुख खान हिंदुस्तान का सपोर्ट करते तो हम उसके साथ हैं। जो भाई अगर हमारे को देशभक्त बनना है उसका सपोर्ट करके जो देश को डुबाएगा तो हम उसके क्या सपोर्ट में रहेंगे? बिल्कुल सपोर्ट में नहीं। हम तो उनका अडानी अंबानी को चाहते हैं कि उनको देश से और कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको देश से हटाया जाए। साजिश हो रही है क्या लगता है? अडानी के खिलाफ साजिश हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। जो देखिए ना, मैं कह रही हूँ सबसे बड़े स्पैमर गुजरात के हैं, स्कैम जितने भी करते हैं गुजरात के, हर्षद मेहता, ललित मोदी, नीलम मोदी, सारे गुजरात के हैं, सब गुजरात के, मतलब गुजरातियों ने ठान लिया है कि हिंदुस्तान का गुजरातीकरण करना है, मतलब पैसे ले लो, हिंदुस्तान को लूट लो और बाद में भारत विदेश भाग जाओ। गुजरात के तो गांधी जी, क्या अडानी भागेगा? लगता है आपको अडानी भी भागेगा? बिल्कुल भागेगा, राज भी तो गुजराती कर रहा है। हाँ तो तभी तो कह रही हूँ सबसे बड़ा स्कैमर गुजराती निकला है। गांधी जी भी तो गुजरात के थे, गांधी जी गुजरात के, लेकिन उनको देश का कोई घोटाला नहीं किया। ऐसे ही वो राष्ट्रपिता नहीं है जो कह रहे हैं ना हमारे को नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं, ये जो अभी कहा है। हाँ नहीं, ये गुजरात में जो इन्होंने कहा है कि नए राष्ट्रपिता मोदी जी हैं, तो मैं तो कहती हूँ उन लोगों को, और
नहीं जो नहीं मानता नहीं मानता, अब सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने विचारधारा है। मोदी जी के अलग विचारधारा है, मेरी अलग विचारधारा है। अब ये थोड़ी ना मैं मोदी जी को मानूंगी नहीं। आपकी कौन सी विचारधारा है? मेरी विचारधारा है कि हमको सत्य के साथ रहना चाहिए, हमारे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बटना चाहिए, हमारे को हिंदुस्तानी है। सबसे पहला धर्म हमारा हिंदुस्तानी का होता है, जो हिंदुस्तान में दूसरा इंसानियत का उसके बाद भी आता है। तो हमारे को ये आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, हम क्या है, मैं डॉक्टर इंजीनियर क्या हूँ, हमको उस वर्ग में बटना चाहिए, जाति के बाद उसमें भी नहीं बटना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री सही है या गलत? क्या बीवी से डॉक्यूमेंट्री बैन करना सही है या गलत? गलत है। क्यों गलत है? रूस भी साथ दे रहा है मोदी जी का। देखिए रूल्स, अब देखिए एलजी उन्होंने अपना बना दिया भाई, रूल्स उसके हैं जो सरकार चला रहे हैं, सरकार उसकी जो रूल्स चला रहे हैं, वही बात हो गई। मैं अगर किसी स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, अगर मैं कल नया रूल बना दूँ कि भाई अगले दिन ये होगा स्कूल में ऐसी असेंबली होगी, तो भाई मेरा रूल माना जाएगा ना। देश की बेटी आपको कंगना रनौत बता दी थी पठान का जो है पठान देखना चाहिए। देखिए सच के साथ सब रहेंगे, क्या कहना चाहोगे? सच के साथ सब रहेंगे भाई, सच अकेला होता है, झूठ कई सा रहते हैं, कहते ना शेर अकेला आता है, भेड़ बकरियां तो झुंड में रहती हैं। तो यही बात है कि नाम तो राम का ही दिया जाएगा, देश ही राम से चलेगा। देखिए जिसकी मान्यता राम के साथ है वो राम के साथ रहे, जिसकी मान्यता रहीम के साथ है वो रहीम के साथ रहे, सबकी मान्यता। अब मैं धर्म के बारे में नहीं कहूंगी, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, आस्था को मेरा ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हिंदुस्तानी है उसे सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं देश में रह रही हूँ, मैं जय श्री राम नहीं बोल रही, मैं बोलूंगी भारत माता की जय, तो मैं देशद्रोही हूँ। तो मतलब ये रूल बना रहे हैं मोदी जी, तो ये हो रहा है ना कि आप हिंदूवादी देश को कर दो, मैं आपके साथ हूँ। मुस्लिम कहाँ जाएंगे? मुस्लिम सबसे ज्यादा बलिदान करने वाले फ्रीडम फाइटर में सिर्फ हिंदू नहीं थे, फ्रीडम फाइटर्स में मुस्लिम भी थे। 5 किलो एक साल तक फ्री, हर आदमी का पर हेड दे रहे हैं ना, आदमी 5 किलो एक साल तक बचा के रखेगा। मतलब आदमी की हालत तो बहुत टीवी के मरीज से भी ज्यादा बेकार हो जाएगी भाई। इससे बढ़िया रहा तो आप हमारे को रोजगार दे दो, रोजगार दे दो, रोजगार क्यों नहीं देते हम लोगों को? रोजगार देंगे, इस बजट में कहा है 75,000 रोजगार देंगे भाई। अभी तक तो जब 2014 में आया था तब वादा करके आए थे कि रोजगार मिलेगा, अभी तक तो रोजगार नहीं मिला। चीनी भी महंगे कर दी, विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है मेरे को। मेरे को एयरपोर्ट खोलेंगे हम, मैं तो दूरबीन से देख रही हूँ, विकास कहीं दूर दूर से नहीं दिख रहा। विकास विकास है कहाँ भाई? अभी तक विकास 9 साल तक का हो चुका होगा, 8 साल का हो गया होता विकास, छोटा सा बच्चा विकास 9 साल तक का हो गया होगा, अभी 9 साल का बच्चा कहीं नहीं दिख रहा मुझे। कह रहा एयरपोर्ट खोलेंगे 50 हम। हाँ तो अभी जेवर एयरपोर्ट खोलो, खुल गया, अब उसको कल परसों में अंबानी अडानी को भेज देना। अच्छा एयरपोर्ट खोल के भेज देंगे ये? हाँ। और क्या कर रहे हैं आप बताइए, क्या कर? आज तक आपने मोदी जी को कभी ये करते हुए देखा है कि मोदी जी हमारा स्कूल का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कॉलेज का उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं डाइट का, कहीं किसी का, कहीं का नहीं कर रहे? लेकिन लेकिन भारत सरकार के पास एयरलाइंस तो है नहीं, एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हैं ये लोग? वही तो मैं कह रही हूँ, एयर इंडिया तो टाटा को भेज दिया, तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट बना रहे हैं? वही तो बात है, अंबानी अडानी के लिए बना रहे हैं यार, आप लोग समझते नहीं हो। एयरपोर्ट उन्हें एयरलाइंस तो उन्हें भेज दी, एयरपोर्ट भी उनका बन रहा है, बस ये है कि देश का नाम हो जाएगा। अभी आप देखिए, आप कह रहे थे परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा पे चर्चा, लोग अभी सीबीएसई के बोर्ड आ रहे हैं, सीबीएसई के बोर्ड आ रहे हैं, उस पे सीबीएसई के बोर्ड से ज्यादा जरूरी क्या परीक्षा पे चर्चा है? बच्चों को सिखाते हैं चर्चा कर करके, चर्चा कर करके। अच्छा जो चर्चा में आएगा सीबीएसई के बोर्ड में आएगा, या जो सीबीएसई के बोर्ड में आएगा वो चर्चा में आएगा? विश्वास बढ़ा रहे हैं बच्चों का, आत्मविश्वास। भाई वो सीबीएसई को बोर्ड के बात कर दो, या तो आप कुछ मत करो भाई, हमारे को रोजगार दे दो। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने बच्चे से बात की? की बिल्कुल की, बिल्कुल करते। चलो ना भी कियो ना कियो, हमारे लिए भविष्य का तो देखो ना, आप रोजगार नहीं दे रहे, अगर भाई चंद रोजगार भी मिल गया उसके बाद हम पूरी जवानी काम करेंगे, अग्निवीर बन जाएंगे। मतलब हम पढ़ाई पूरी कर ले उसके बाद भविष्य में भटकते रहे, डिग्रियां लेके हम घूमते रहे, पढ़ाई कर ले 12 साल पढ़ाई करे उसके बाद हम ऐसे आवारा घूमते रहे भाई, हमारे को अभी से देखना पड़ेगा। ठीक है धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।